बंडो आदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की टंडो आदम सिटी प्रेस क्लब आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिटी प्रेस क्लब टंडो आदम के सदर हाजी यासिन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मुबारक शेख, राना मोहम्मद सुलेमान, पीटीआई रहनुमा रफीक गोरी, शबीर मलोखानी, अयूब खान, इंजीनियर नूर कुर्बान डेरो और दीगर ने आने वाले मेहमानों को सिंध की रिवायत सिंधी टोपी अचरक के तहाइफ पेश किए। इस मौके पर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में तरक्की कर रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल के अरसे में कोई भी बैरूनी कर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे मनसूबा ML1 को हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा और तेज तरीन ट्रैक बहाल होने से कई घंटों का सफर चंद घंटों में तय होगा। जिले के अंदर तेल और गैस कंपनियों की जानिब से दिया जाने वाला फंड अवाम की सहूलत के लिए दुरुस्त खर्च नहीं हो रहा। पहले भी टंडो आदम की तामीर तरक्की के लिए असम्बली में आवाज उठाई, दोबारा फिर इसके मिसाइल के लिए असम्बली में आवाज उठाऊंगा और अंडर पास की तामीर पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द अंडर पास की तामीर होगी। इस मौके पर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के हमरा मेंबर सूबाई असम्बली सिंध संजय गंगवानी, सैयद इजहारुल हसन कादरी, सेक्रेटरी शहरियार खान, राव काशिफ, अब्दुल समद मलाह, सदर पीटीआई वेलफेयरिंग ईस्टर्न रीजन सिंध निसार पहियार, जनरल सेक्रेटरी नवाब शाह, सज्जाद खासकली, जनरल सेक्रेटरी तालका नवाब शाह, रहील सोमरो, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयरिंग तालका नवाब शाह भी इनके हमराह थे। कैमरा टीम के साथ मोइन शेख, HNN न्यूज़, टंडो आदम।